हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में कॉल सेटिंग कैसे कर सकते हैं। इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो की पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है। बहुत सिंपल सिंपल स्टेप हैं जो आपको देखनी है, फॉलो करनी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अपने फ़ोन में कॉल सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के डायलर में जाना है। डायलर में जाने के बाद में यहाँ से आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है। करने के बाद में यहाँ से आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है कॉलर आईडी एंड स्पैम का। आपको इसे ऑन करना है। ऑन करने के बाद में यहाँ से आपके फ़ोन में ट्रूकॉलर की जगह पे ये काम करता है। इसके बाद में आपको यहाँ से बैक होना है। बैक होने के बाद में सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर ब्लॉकेड नंबर्स का। ब्लॉकेड नंबर्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको अनोन पे क्लिक करना है। अनोन पे क्लिक करने के बाद में आपके फ़ोन में जितने भी अनोन नंबर होते हैं वो सारे यहाँ पर ब्लॉक हो जाते हैं। सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिलता है ऐड नंबर का। ऐड नंबर पर क्लिक करना है। यहाँ से अगर आप अपने फ़ोन में कोई भी पर्सनल नंबर ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप नंबर डायल करके ब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में यहाँ से आपको कॉलिंग अकाउंट पर क्लिक करना है। कॉलिंग अकाउंट पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना है। एडवांस सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में आप अपने फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग पे क्लिक करके कॉल फॉरवर्ड ऑन एंड कॉल फॉरवर्ड ऑफ कर सकते हैं। एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करके आप अपने फ़ोन में कॉल वेटिंग ऑन कर सकते हैं। यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग का। कॉल रिकॉर्डिंग पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है नंबर नॉट इन योर कॉन्टैक्ट। आपको इसे ऑन करना है। ऑन करने के बाद में यहाँ से आपको ऑलवेज रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। आपके फ़ोन में यहाँ पर जितने भी अनोन नंबर होते हैं वो सारे यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाते हैं। सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिलता है सिलेक्टेड नंबर्स का। सिलेक्टेड नंबर्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है ऑलवेज रिकॉर्ड सिलेक्टेड नंबर्स। आपको इसे ऑन करना है। ऑन करने के बाद में ऑलवेज रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। यहाँ से अगर आप अपने फ़ोन में पर्सनल नंबर कोई भी कॉन्टैक्ट का रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो चूज़ ए कॉन्टैक्ट पर क्लिक करके कर सकते हैं। यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में ऑप्शन देखने को मिल जाता है आपको डिस्प्ले ऑप्शन का। डिस्प्ले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से आप स्टोर बाय नेम फॉर्मेट का ऑप्शन देखते हैं। यहाँ से आप अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट का कोई भी फर्स्ट नेम या लास्ट नेम शो करवा सकते हैं। यहाँ से आपको बैक होना है। यहाँ से बैक होने के बाद में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है साउंड एंड वर्जन का। साउंड एंड वर्जन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है हैप्टिक्स एंड टोन्स का। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको सारे साउंड देखने को मिल जाते हैं। आप बहुत ही सिंपल तरह से यहाँ से यूज़ कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिलता है वॉइस मेल का। वॉइस मेल पर क्लिक करना है। यहाँ से अगर आप अपने किसी भी फ्रेंड से बात नहीं करना चाहते हो या बात नहीं कर सकते हो तो आप उसको यहाँ से सिंपल तरह से वॉइस मेल सेंड कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पर फ्लिप टू साइलेंस का। आपको फ्लिप टू साइलेंस को इसे इस तरह से ऑन करना है। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही सिंपल है। ये थी हमारी कॉल सेटिंग। इसी के अकॉर्डिंग आप अपने फ़ोन में कॉल सेटिंग कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।